गांव में भारत की आत्मा बसती है। भारत की सभ्यता और संस्कृति के सच्चे दर्शन इन शहरों में नहीं, बल्कि भारत के ये छोटे छोटे गांव में ही हो सकती है। गांव का नाम सुनते ही मन में शांति और खुशी की भावना जाग उठती है। कई शहरी लोग गांव में सिर्फ सुख और शांति के लिए आते हैं। उन्हें गांव का ज़्यादा अनुभव नहीं होता। गांव का वातावरण ही ऐसा होता है कि कोई भी यहां से वापस जाने का नाम नहीं लेता। सड़क पर भागती हुई किसी गाड़ी की नंबर प्लेट का नंबर अगर UP84 हो तो समझ लीजिए ये गाड़ी है जिला मैनपुरी की। ये कहानी शुरू होती है जिला मैनपुरी के एक गांव की, जिसका नाम है नगला आंध्रा, जो कि जिला मैनपुरी के ओंछा तालुके में है। ये कहानी इस गांव की नहीं है, ये तो बस एक जरिया है इस कहानी को खत्म करने का, इस कहानी को आप तक पहुंचाने का। वैसे तो ये कहानी है भारत के हर एक गांव की, तो बिना समय व्यस्त करते हुए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गांव चाहे कोई भी हो, लेकिन सभी गांव में एक जैसी सभ्यता और गांव की रूपरेखा समान होती है। यहाँ के मकान बहुत ही सुंदर हैं। अब तो गांव में भी पक्के मकान होने लगे हैं, लेकिन पहले गांव में वो मिट्टी के कच्चे मकान हुआ करते थे। अभी भी गांव में ऐसे मिट्टी के मकान हैं जिसमें काफ़ी ठंडक और शांति का अनुभव होता है। इस गांव में यह है एक छोटी सी दुकान। गांव में तो बहुत सारी दुकानें हैं, पर हमारे मोहल्ले में यह एक प्रसिद्ध दुकान है। इस दुकान के मालिक का नाम है शिवम दुबे उर्फ शिवा। ये तो एक मजाक है, ये उनका नाम नहीं है, उनका नाम है शिवम। मैं आगे बढ़ें तो आगे बात होगी ग्रामीण लोगों का जीवन। सरलता भरा और सादगी में होता है। गांव में किसान सुबह सुबह अपने खेतों में चले जाते हैं और खेतों का काम निपटा के अपनी गाय भैंसों के लिए चारा लेकर घर लौटते हैं। गांव के लोगों में बिलासा या दिखावे की भावना नहीं दिखती, फिर भी गांव का जीवन मतलब स्वर्ग को प्राप्त करना। गांव का जीवन संतोष, सादगी, स्नेह और स्वाद में मिठास वाला होता है। गांव के जीवन में शुद्धता है। गांव के स्वस्थ वातावरण की वजह से यहां बीमारी का कोई टेंशन नहीं है। गांव के लोगों की बताऊं तो अभी चल रहा है दुनिया में कोरोना, एक महामारी। सभी डरते हैं इससे, और डर हैं कि ना, एक बीमारी ही ऐसी है। पर गांव के कुछ लोग इस बीमारी को अभी तक नहीं समझते। वो कहते हैं कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है। यूं ही नहीं बसती भारत की आत्मा गांव में, यूं ही नहीं बसती भारत की आत्मा गांव में। अरे कुछ तो है इन गांव में।
अरे कुछ तो है इन गांव में, तभी बस जाते हैं लोग इनकी छांव में। हर ऋतु में सदा यदा के लहराते हुए खेतों के बारे में क्या कहना। बारिश के सीजन में तो गांव में हरियाली छा जाती है, वृक्षों की घटा में पक्षियों के गीत, पपीये की पुकार और कोयल की कुक कुक सुनकर यहाँ की प्रकृति चारों कलाओं में खिल उठती है। यहाँ की प्रकृति से हम अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाते हैं और अपने आप को अपने आप में शांति का अनुभव हो जाता है। गांव की प्रकृति किसी यात्रा धाम से कम नहीं होती। एक कहावत तो सुनी ही होगी, रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी जागना। गांव में लोग यह अनुकरण करते हैं, इसलिए वह सीधे साधे होते हैं। दिन भर खेतों में काम करते हैं, रात को चैन की नींद लेते हैं, क्योंकि कष्ट इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें निंद्रा देवी अपनी गोद में तुरंत ले लेती है। सुबह 4-5 बजे जागो, नृत्य कर्म निपटाओ, नहाकर पूजा करो, फिर रसोई में प्रवेश करो, अपना नाश्ता बनाओ, सबका नाश्ता बनाओ, गाय भैंस को चारा खिलाओ, पूरे दिन के गोबर को समेट कर कहीं दूर डाल कर आओ, दिन के खाने की तैयारी करो, फिर दोपहर का खाना लेकर खेतों में पहुंचो। खेत के काम में हाथ बटाओ, फिर गाय भैंस के लिए चारा इकट्ठा करो, सांस ढलने पर घर आ जाओ, फिर आते ही घर में काम में लग जाओ, बही चूल्हा चौका, और 9 बजे तक दूध पीकर सो जाओ, फिर दूसरे दिन वही सब। यह है हमारे गांव के पास में एक छोटा सा मार्केट, जिसे हम चौराहा बोल सकते हैं। यह है एक चौराहा, एक छोटा सा मार्केट है, जहाँ पर आपको ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। हेलो बबुआ, मैं भैंस बोल रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जो कि आकाश ने बनाया है, तो प्लीज़ उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को मेरे लिए लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी में कौन सा सीन आपको सबसे अच्छा लगा। सो बाय बाय, मिलते हूँ एक और नई वीडियो के साथ।